हेलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? यकीनन सावन के फजलों तरफ से आप सब बेहतर होंगे। हम भी शुक्र है सावन का, सब ठीक ठाक है। आज हम वुमेन मिनिस्ट्री की मीटिंग है और उसमें जो है हम सब जो है लेडीज़ जो हैं वो अपने घरों से कुछ ना कुछ ला कर रखे जाएंगी। वार्डिश पार्टी है ये, मेरे ख्याल से तो ये ईस्टर की जो है वो पार्टी होगी। तो आज हम जो बनाएंगे, जो लेके जाएंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप लोग देखिएगा। अभी तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, उसके बाद जो है वो काम शुरू करेंगे तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको देखिएगा। है कुछ चिकन, इसमें हमने डाला है बिरयानी मसाला। अब हम इसमें डालेंगे दही। मामा पूरा ही डाल दो? एक पाव दही है हम वो डाल रहे हैं और फिर डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी इसमें तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है सारा मटेरियल। अब इसमें ये चिकन है, बिरयानी मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और दही है। अब इसको हमने मैरिनेट करके रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप्स भी मैं आपको साथ साथ शेयर करती रहूँगी। है अनियंस कट और पराठे ऑलमोस्ट बन चुके हैं। मसाला अपनी जगह पड़ा हुआ है। प्याज कट करने के बाद जो कुछ भी होगा मैं आपसे शेयर करूँगा। हो रहे हैं प्याज कट, तब तक मैं ऑयल रख दिया, गरम होने के लिए ऑयल भी रख दिया। यहाँ ऐसे है, ऑयल गरम हो रहा है और प्याज कट हो रहा है। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल वंस अगेन। उम्मीद करते हैं आप लोगों के ठीक, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। और आज इतने दिनों के बाद ना हमारी टीम रेडी हुई है। ये भी हमारा बड़ा रैंडम प्लान था। हम लोग ने कुछ चीज़ें खरीदनी थी तो हमें जाना है बाज़ार। तो अभी मुझे नहीं पता, हम 9 या 9 हम लोग निकल रहे हैं। 10:30 मॉल्स बंद हो जाते हैं तो हम इन बच्चों का भी वेट कर रहे थे। मामा अभी हम लोग रेडी होके आ गए तो नोनो जो वॉशरूम है, ये जो बंदा ना ये बच्चे रखते हैं तो ना ये कुछ और। फ़ोन मेरा आउट ऑफ फोकस हो जाता है, ये मुझे चेंज करना है सोन, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए ना ये थोड़ा सा ख़राब है। ऐसा ही है बोलो जी क्या? ऐसा ही है बोल दो बस जी। फ़ोन मैंने कहा चेंज करना है, आपने कह दिया जी। वाह यार, ऐसा होना चाहिए। ये अभी तक रेडी नहीं, सब कुछ यही रखा है। सलाम दादो, ये दादो है। नोएल साहब ढूंढ रहे थे कीस, तो ये लो चाबीस। मीकू खा रहा उंगलियां, ये हैं इनकी बड़ी मामा, ये उंगलियां खा रहे। ये है दादो, एंजॉय कर रही है मिकाइल के साथ, लेकिन रखने के लिए कोई रेडी नहीं है। मैंने चाचू को बोला इसको रख लो, लेकिन चाचू ने बोल दिया कि मैं मिकाइल नहीं रख रहा। तो देख लो, बस खेल रहे हैं, रख नहीं रहे किसिया। ये लोग मिकाइल नहीं रख रहे 2-3 घंटे के लिए। फरू तो बस ना, चलो मिली पापा बट नहीं करो उसका सर। चाचू कह रहे गरम हो रहा है और आप चलो। मेरा बेटा यार, मैं बिना बट्टे के जाऊंगी। कह रही आपने तो बट्टा ही नहीं लिया। ये मायरा पहन रही जूती 9:30 इधर ही, इसने मायरा ने कर तो अभी दुपट्टा लेने फिर ये दोबारा अंदर जाएगी। देखें आप लोग, पहले चप्पल पहनते हैं फिर दुपट्टा लेते हैं। चलो किसू हम चलते हैं जब तक बेटे बाहर। चलो ठीक है भाई, हम तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है। ये बच्चों से भागने वाला अब्बा। मिल्ली चल लो, आपने लेट करा दिया 9:30 इधर ही। आपके बच्चों ने करवाया लेट? मेरे बच्चे दे बस खली वली चे बदनाम हो गए ने।
यहाँ पे खड़ी है किसु की फ्रेंड आमना। किसु जल्दी से आओ बेबी, आपकी फ्रेंड जाओ। चलो बाय। वो करे तो ऊपर ही ले। आज हम जाएंगे आपके साथ, आज क्या खिलाओगे आप हमें? कुछ भी नहीं। क्यों? हाँ, एक दिन की वो होती है ऐश है नोनो। आपको ऑफर की थी, अब क्यों नहीं गया? हमें तो कोई ऑफर, एंड टाइम पे कोई कहेगा तो एंड टाइम पे कैसे कोई जाएगा? अब नोइल इतना होशियार बन रहा है ना, इतना होशियार। खैर खिलाना नहीं है ना तो बहाने। अंडे वाला बर्गर भी नहीं देखा, साफ इनकार। सही है भाई, मैं खिलाऊ, मैं आई हूँ, मैं ही खिलाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे गॉसिप्स हो रहे हैं, दोनों सेम फेसेस वाली बातें कर रहे हैं। मामा का पर्स घर पे रह गया, कह रहे मामा। क्या बढ़ियाओं को गुस्सा आ जाए, नर्सरी ले जाएंगे। मैं नहीं, मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। ये जो हंसने के लिए आई, ये किसी के साथ बिल्कुल ही ना आउट कंट्रास्ट का दुपट्टा ले रही थी। हाँ। और कह रही है मैंने बड़े अरसे बाद लिपस्टिक लगाई। वैसे वो चप्पल के साथ हो रहा था इसका फराज। चले बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, या बता दिए? नहीं, मैंने कहा हम जा रहे हैं, अब तो हम कहाँ जाते हैं ये भी उनको पता चल गया होगा। कुछ खाना ही पड़ जाए बाकी। अब जो नोएल है ना, वो इतनी सुस्त जा रहा है और हमें ये टेंशन हो रही है, ऐसा ना हो कि मॉल ही भर गए। यहाँ से कभी किसी ने कराची ब्रोस्ट खाया है वो बताए कमेंट्स में। बस बेटा तुम दोनों मोमोज देखो अभी फिलहाल, वापसी में दिलाएंगे। ये है कराची ब्रोस्ट, इसका हमने ब्रोस्ट खाया था, मुझे तो खैर इतना अच्छा नहीं लगा था, बहुत मजा। हाँ, लेकिन इनका बर्गर था एक स्मोकी, बहुत अच्छा था। ये हमारी पुरानी वाली, पुरानी जगह नहीं, हम यहाँ बहुत आते थे पर अब हम नहीं आते। नहीं, स्टैंडर्ड तो उसका खैर अभी भी है, हम ही नहीं आते। लास्ट हम एविश की एनिवर्सरी थी तो यहाँ आए थे, पर अफसोस। अभी आ रही है मिस्टर नोएल की बर्थडे, तो हम इंशाल्लाह जरूर यहाँ पर आएंगे। बर्थडे वाला दिन भूल ही जाएगा नोनो। और किजिया यहाँ कर रही है सिंगिंग। और किजिया को प्यार हुआ था, पढ़ने का है, इकरार हुआ था और पढ़ती है नहीं है, है तमन्ना। ओ, किजिया को नजर आ गया है मैकडॉनल्ड्स। टू मच ट्रैफिक, और हर बात पे नोनो सबको चुप करवा रहा है, क्योंकि लग रहा है आज नोनो थोड़ा सैड। तो किसी को पूछा है कि किसी ने ये लेना है, लेकिन नहीं ले लिया किसी ने। और यहाँ पे देखते से कुछ ना कुछ लगी है मुझे बहुत भूख। हम आ चुके हैं आज, यहाँ पे भी इतने अच्छे आए हुए क्लोथ्स। हाँ, मामा की बेबी पे देखा जा रहा है किजू के लिए ड्रेस। और ये जो है ये वेटिंग मोड पे यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मेक मिला बेबी का लेगा, भाई बताओ मैंने क्या बोला है? क्या बोले? वो इसको कह रहा है जो बोल ही नहीं सकता।
भाभी क्या हुआ? अबे भाई पूरी बात बताओ, हुआ क्या? आप लोग आए फिर क्या हुआ? लाइट्स ऑफ हो रही थी मॉल का। मॉल के बाहर बैठे भाभी, आप तो खाते ही नहीं हो। अब हम जा रहे हैं वापस। और क्या हुआ है मोमो? मैंने बोला था बंद हो जाएगा लेकिन सुना ये विश्व। और ये वो बच्ची है जिसने हमें बड़ा तंग किया है बहुत ज्यादा। मैं विश, क्या हुआ है? ब्लॉग शॉपिंग हुई है, कुछ भी नहीं रहा लेकिन लिपस्टिक जी भर के ले लिए हमने। हाँ, पर ब्लॉग शेयर नहीं कर पाए क्योंकि मनहूसों ने ना लाइट्स बंद की हुई थी, पंखे बंद किए हुए थे, हमें सिर्फ 5 मिनट दिए थे कि आप जल्दी जल्दी शॉपिंग कर ली। बहुत बेकार ट्रिप था। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ली जा रही है हवा। चलें कि सुबह भी आ जाओ गुगो, चलो अब आगे भागो, आपका व्लॉग बनेगा। व्लॉग आराम से किसी हम जब गए थे शॉपिंग के लिए तो मॉल हो चुका था बंद, और बंद होने के बाद हमें अब कुछ तो लेना था ना, तो हमने वो कुछ क्या लिया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और वहाँ पे फराबाजी शॉप का क्या नाम था? नासिर कॉस्मेटिक शॉप। तो वहाँ पे सिर्फ हम एक ही शॉप पे गए, वो शॉप थी नासिर कॉस्मेटिक, और वहाँ से हमने जो जो लिया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। किजिया ने लिया था ग्लॉस, और ये भी किजू ने 2 ग्लॉसेस लिए थे। मैंने कहा चलो ये स्कूल जाती है तो ये इसके लिए सही है। ये लिप बाम है, ये मैं ओपन करती हूँ। ये लिप बाम है, ये किजू ने ली थी चीज़ें, और ये एलोवेरा लिया मामा ने जेल। क्योंकि हम और किसी शॉप पे गए नहीं थे तो इतना हमने मतलब कुछ नहीं लिया, क्योंकि हम लेने गए थे कपड़े और शॉप्स बंद हो चुकी थी। तो फिर जो हमने लिया ये एक शेड लिया मैंने, ये वाला जो शेड है ये भी मैंने लिया, ये दो। इसके बाद ये वाला जो शेड है ये फराबाची ने चूज़ किया, ये उनका है, और ये भी फराबाजी ने अपने लिए लिया मस्कारा। और हर चीज़ में हमारी किजिया की चीज़ें होना बहुत लाजिम है। वो अपने लिए ब्रश लेकर आई, अभी रीसेंट वो लेकर आई थी बट फिर दोबारा उसने लिया है। ये जो 2 लिप कलर्स हैं ये मामा ने लिए हैं, और मैं अभी एक हाथ से मतलब ये ओपन करी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, पता नहीं कोई हेल्प करने भी आता है कि नहीं, मैं आवाज़ दूँ तो, क्योंकि सारे बैठ के बाहर बातें कर रहे हैं। मामा इधर आओ एक मिनट, मैं इसका शेड दिखा। मामा आ रहे हो? ये अपना लिपस्टिक का बस शेड ओपन करके दिखा दो ये ना, क्योंकि मेरा एक हाथ में कर रही हूँ ना, तो ये है ना, मैं कह रही हूँ कि मैं इनको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा ये शेड है। ये कलर है मामा ने लिया है, ये मामा ने लिया। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना लिपस्टिक की वो भी बहुत अच्छी है, और ये भी मामा ने लिया है। थैंक यू। इनके जो कवर्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं।
मैं और फराबा जी ना पता है इनके कवर्स पे और लिपस्टिक्स पे हंस भी रहे थे कितने ये फैंसी कवर्स के साथ हैं। और हमने लिया ये भी लिया, ये कंसीलर लिया। हम वैसे यूज़ नहीं करते लेकिन अब हम प्रॉपर मेकअप, लाइक हम पहले से बेस डायरेक्ट अप्लाई कर लेते थे, इतना कुछ खास हमने कभी भी अप्लाई नहीं फेस पे किया। तो अब दिल करता है तो ये तभी हमने लिया कि हम भी प्रॉपर मतलब मेकअप करें, अदरवाइज़ हम ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते। ये भी फराबा जी ने शेड लिया हुदा का। और ये नेल पेंट मैंने लिया, ये बहुत लाइट सा है बट मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैंने ले लिया। और मुझे नेल कलर्स बहुत पसंद है, लगाऊं ना लगाऊं बट मुझे पसंद है ये। मेरे दो मतलब ये टू कलर्स हैं इसमें, दो कलर्स हैं इसके अंदर। ये हाइलाइटर लिया मैंने, एक पिंकिश होगा और एक रेड होगा। और बेटे एक मिनट में अपना व्लॉग कर लूँ। ये एक लिपस्टिक है, ये भी फराबाजी है, फराबाजी का ये कलर है जो उन्होंने चूज़ किया है। तो बस हम यही सब कुछ ले पाए। हमने जो था ना लेना था, बच्चों के मैंने कपड़े लेने थे, बच्चों के नहीं सिर्फ किजिया के, क्योंकि मिकाइल के पास अभी भी क्लोथ्स थे न्यू, तो मुझे किजिया के लिए चाहिए था एक न्यू ड्रेस तो मुझे नहीं मिल पाया। फिर मैंने फरू से बोला, फरू एक्सपो में होते हैं, मैंने कहा फरू मुझे जैसा चाहिए वहाँ पे टॉप होगा। फरू ने भी कह दिया नहीं वहाँ पे ऐसे नहीं होते, क्योंकि हमें लाइक हम लोगों को मतलब मुझे और मेरे मतलब जो लाइक घर में है फराबाजी और मतलब मोमो, हमें थोड़े से फैंसी नहीं पसंद, हमें कैजुअल तो पसंद है लेकिन इन द सेंस लाइक विदाउट स्लीव्स हों या लाइक क्रॉप टॉप्स हों, तो वो मुझे ढूंढने थे तो वो मैं नहीं, मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि शॉप्स बंद हो रही थी, तो इस वजह से वो जो है मैं नहीं ले पाई। तो फिर हमने सिर्फ ये चीज़ें ली, मैंने कहा चलो लिपस्टिक्स लेते हैं और लिपस्टिक्स ही लगाते रहेंगे। होपफुली ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को हमारा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट बिलो और सब्सक्राइब करें अगर आप लोग हमारे न्यू है चैनल पे। अपनी दुआओं में रखना हमें बहुत सारा याद, और अपना रखना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।